नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सीएसएस की आज की क्लास में हम करते हैं सीएसएस मल्टीपल बैकग्राउंड के बारे में। अगर हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स की बात कर रहे थे तो कल हमने मल्टीपल बैकग्राउंड्स के अंदर साइज प्रॉपर्टी की बात की थी, और यहाँ पर हमने जो साइज प्रॉपर्टी का यूज किया था वो किया था परसेंटेज और पिक्सल के अंदर। आज हम यूज करेंगे कंटेन और कवर के बारे में। तो अगर हम कंटेन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये बैकग्राउंड इमेज को स्केल करता है और जितनी पॉसिबिलिटी है उसको लार्ज दिखा देता है, लेकिन उसको कोशिश करता है कि आपके वर्किंग एरिया के अंदर परफॉर्म करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो इमेज पूरे एरिया के ऊपर दिख रही है, जितनी पॉसिबिलिटी आपको उसको लगता है कि बेस्ट फिट में ये दिखा सकता है, ये आपको वर्किंग उसकी रिप्रेजेंट कर देता है। एज सच डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड पोजिशनिंग एरिया, ये देखता है कि आपकी बैकग्राउंड की इमेज क्या है, इसको पोजिशन कहाँ करना है, उसके हिसाब से ये आपकी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरिया ऐसा हो जाए जो आपकी इमेज को के थ्रू बैकग्राउंड को कवर ना कर रहा हो। फिर बात करते हैं हम कवर प्रॉपर्टी की। अगर हम कवर प्रॉपर्टी या कवर कीवर्ड की बात करते हैं तो ये स्केल करता है बैकग्राउंड इमेज को ताकि वो कंटेंट एरिया को कंप्लीटली कवर कर ले। मतलब जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखे, तो इसकी विड्थ और हाइट आपके कंटेंट एरिया के इक्वल होगी। तो यहाँ पर कुछ पार्ट बैकग्राउंड का ऐसा है जो आपका विजिबल ना हो अपने बैकग्राउंड पोजीशनिंग एरिया के अंदर, मतलब जो आपकी इमेज है वो आधी दिखे ना दिखे। वहां पर क्या था कि आपकी बैकग्राउंड इमेज दिख रही थी, पेज कवर हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, बैकग्राउंड यूआरएल लिया, उसको वैसे ही बैकग्राउंड साइज कंटेन लिया, रिपीटेशन में नॉर्बिट लगा दिया, डिव टू किया, उसको एक इमेज ली, वहां पर हमने कवर प्रॉपर्टी का यूज कर दिया और रिपीटेशन को नॉर्बिट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड एडिटर के अंदर जाते हैं और वर्किंग को परफॉर्म करके देखते हैं कि आखिरकार इसका यहाँ इफेक्ट क्या। तो ये मेरा नोटपैड एडिटर है, आप देखते हो मैंने एक बॉडी आईडी BR ली हुई है, एक मेरा BR आईडी है, इसके अंदर मैं वर्किंग को परफॉर्म करूंगा। तो ये मेरे ब्राउजर के अंदर पेज है जिसके ऊपर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मैं BR टैग में जाता हूँ और यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड URL, तो मैंने सेव कर दिया, मैं अपने ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये वर्किंग उसने मुझे यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। तो मेरे पास इमेज आ रही है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो ये इमेज मेरे पास आई है ये रिपीट ना हो, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। रिफ्रेश किया सेव करके और उसने मुझे मेरी आउटपुट दिखा दी। तो अब जब मैं इतनी वर्किंग को यहां परफॉर्म कर चुका हूं, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको बैकग्राउंड साइज देता हूं। तो मैंने आप बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज किया। जैसे मैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, सबसे पहले लेता हूं यहां कंटेन। तो ये देखिए मैंने कंटेन एरिया लगाया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो उसने क्या किया, मेरी इमेज को मेरे पूरे पेज पे कवर करने की ट्राई की। अब हो सकता है कि मेरी इमेज छोटी है तो आधा पोर्शन छूट गया, तो वो हमने पहले कहा था कि यहाँ आधा पोर्शन फ्री रह सकता है इस केस के अंदर अगर आप उसको कंटेन में यूज करते हो। लेकिन अगर मैं इसको कंटेन की जगह कवर में यूज करूं, तो मैं इसको कवर में यूज करके देख लेते हैं। मैंने कवर को लिया, सेव किया, रिफ्रेश, तो अब आप ये देखिए आपको उसने दिखा तो पूरे एरिया पे दी, लेकिन आपकी पिक्चर आपके लिए प्रॉपरली विजिबल नहीं है। आधी पिक्चर आपकी डिस्प्ले हो रही है, आधी पिक्चर आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यही डिफरेंस था हमारा यहाँ कंटेंट और कंटेन के अंदर। इसके बाद आता है डिफाइन साइज ऑफ मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस, कि मैंने बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज तो कर लिया, लेकिन क्या ये मल्टीपल वैल्यूज को यूज कर सकता है, हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कोमा सेपरेट लिस्ट चाहिए होगी जो मल्टीपल बैकग्राउंड के थ्रू काम करती है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ 3 इमेजेस ली है, इमेज ट्री, इमेज फ्लावर और पेपर चीफ। लेकिन अभी मैं आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही इमेजेस यूज करूंगा, और तीसरा मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं कोई कलर यूज कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल मैं 2 ही इमेजेस यूज करूंगा। तो नो रिपीट मैंने यूज किया दोनों के लिए, जितनी मैं इमेजेस लगा रहा हूँ मैं किसी को भी रिपीट नहीं करना चाहता। और इस तरह फिर मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड का साइज है वो प्रोवाइड कर दिया अपनी इमेज को, जिस भी इमेज पे मैं बैकग्राउंड साइज यूज करना चाहता हूँ कि मुझे किस बैकग्राउंड इमेज का कितना साइज चाहिए, तो इस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज एक देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया, एक को हाइट और विड्थ उसके हिसाब से और दूसरी ऑटो।
कि अपने हिसाब से उसको जो सूटेबल लगता है वो उसको यूज कर ले। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और इमेज ले लेता हूं, URL, image2.png, यहां पर मैंने png इमेज ले ली, ठीक है। मैं सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए वो दोनों इमेजेस मेरी आ रही है। अब एक दोनों ही एक जैसी है, एक दूसरे के अपर, और जो मेरी फर्स्ट इमेज है वो मेरी फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है, स्टैक के टॉप में रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको साइज यूज करना शुरू करता हूं। तो सपोज कीजिए मैंने यहां पर, तो मैं यहां बैकग्राउंड साइज यूज करता हूं 100% कॉमा 200 pixels 100 pixels, सेव। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए उसने उसी हिसाब से मेरे पास यहां वर्किंग को परफॉर्म कर दिया, एक का साइज स्मॉल कर दिया और एक का साइज मेरे पास लास्ट स्केल के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है जितना मैं उसका यूज करना चाहता था। मैं कहता हूं मैं 100% नहीं यूज करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 50% यूज हो, 50 50, सेव, ब्राउजर रिफ्रेश। तो इसी तरह से मेरे पास यहाँ वर्किंग रिप्रेजेंट हो रही है, और मेरे पास ये देखिए दोनों इमेजेस अब एक साथ आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं कंटेन कवर प्रॉपर्टी को, और साथ ही हम मल्टीपल इमेजेस को बैकग्राउंड साइज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।